नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में एक बार फिर से महिंद्रा का यूगो सीरीज का ट्रैक्टर आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। और दोस्तों बहुत ही जबरदस्त ट्रैक्टर है, मतलब वैल्यू फॉर मनी है। अगर आप एक छोटे किसान हैं और आप चाहते हैं कि मुझे अपने काम के लिए एक ऐसा ट्रैक्टर मिले जो टेक्निकल लेटेस्ट मॉडल हो, तो दोस्तों महिंद्रा में यूगो सीरीज जो है वो थोड़ा सा आपको जो टेक्नोलॉजी से प्यार करते हैं, जो चाहते हैं कि मुझे अपडेटेड चीज मिले, तो दोस्तों यूगो सीरीज जो ट्रैक्टर है दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं महिंद्रा यूगो टेक प्लस 475 DI के बारे में। सारे फीचर्स के बारे में बात करेंगे वन टू वन। से वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि इसी तरह की वीडियो आप आगे भी देख सको। सबसे पहले दोस्तों एक बार आप इसका लुक अगर देखोगे तो वही ट्रेडिशनल जो यूगो सीरीज के ट्रैक्टर्स आते हैं उसी तरह का लुक आपको उसमें देखने को मिल जाएगा। महिंद्रा यूगो टेक प्लस 475 DI की ब्रांडिंग आपको दे रखी है यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे वही आपको साइलेंसर दे रखा है, छोटा सा पीट गार्ड के साथ में काफी स्लिम साइलेंसर आपको प्रोवाइड किया गया है। कुछ 44 HP का 4-cell इंजन आपको मिल जाता है जो अपनी मैक्सिमम पावर 44 HP निकाल के देता है 2000 rated RPM पे। इसमें आपको 185 Nm का टॉर्क मिल जाता है जो प्रोड्यूस होता है 2000 rated RPM पे। यहाँ पे अगर बात करें पावर स्टीयरिंग के बारे में तो थोड़ा सा पास से अगर आप दिखाएंगे तो यहाँ पे आपको सिंगल सिलेंडर और डुअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग आपको देखने को मिल जाता है जो कि काफी हैवी ड्यूटी पावर स्टीयरिंग इसमें आपको दे रखा है। ठीक, तो अगर बात करें यहाँ इधर साइड से तो आपको सेम महिंद्रा यूगो टेक प्लस 475 DI की ब्रांडिंग आपको दे रखी है। काफी अच्छे ग्राफिक सेम टू सेम आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको डीजल फिल्टर आपको दे रखा है, और थोड़ा पास से अगर आप दिखाएंगे तो यहाँ पे आपको जो फ्यूल पंप दे रखा है वो बॉस कंपनी का इनलाइन फ्यूल पंप का सेटअप दे रखा है, पूरा का पूरा आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं स्टैक्टर प्लेटफॉर्म के बारे में। तो यहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म देखेंगे तो काफी बड़ा आपको सिंगल स्टेप चढ़ने के लिए आपको दे रखा है, और प्लेटफॉर्म दोस्तों बहुत ही ब्रॉड और काफी बड़ा खुला डुला प्लेटफॉर्म इसमें प्रोवाइड किया गया, पूरा आप देख सकते हैं यहाँ से। अगर इसके फ्रंट प्रोफाइल के बारे में बात करें तो यहाँ से आपको वही आपको सेम स्टार फिन दे रखा है, महिंद्रा का लोगो दे रखा है क्रोम में। उसके बाद नीचे आपको हेलोजन हेडलाइट्स का सेटअप दे रखा है जो कि सेंटर में आपको प्रोवाइड किया गया है। नीचे आपको काफी बड़ी जाली दे रखी है जिससे कि ज्यादा हवा ट्रैक्टर में जा सके, ट्रैक्टर बिना गर्म हुए लंबे समय तक काम कर सके। नीचे से दोस्तों अगर आप देखोगे तो ये जो एक्सल आपको दे रखा है वो नॉन एडजस्टेबल आपको दे रखा है एक्सल। यहाँ पे दोस्तों वेट दे रखा है जो कि ट्रैक्टर की लिफ्टिंग आगे से कम हो, इसलिए इसमें आगे वेट भी लगा हुआ है। अगर आप ट्रैक्टर की डिलीवरी लेंगे तो यहाँ पे आपको बंपर वगैरह सारी चीज लगा के मिलेंगे। बात करें दोस्तों इसके टायर साइज के बारे में तो जो आगे के टायर्स हैं वो 6-16 के, और जो पीछे के टायर्स हैं वो 14 और 28 के ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाते हैं। बाहर आपको बैटरी का प्लेसमेंट किया गया जो कि काफी सही चीज है। काफी अलग तरीके से इसके बॉक्स को बनाया गया, हैवी ड्यूटी और काफी अच्छे मतलब कि मेटल से इसको बनाया गया है। बात करें इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी के बारे में दोस्तों, इसमें आपको 1700 kg की लिफ्टिंग आपको मिल जाती है, 17 क्विंटल वजन उठा सकते हैं इसके लिफ्ट की मदद से। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं इसकी पीटीओ पे कितना एचपी मिलता है। पीटीओ पे दोस्तों 40 HP निकाल के देता है, 40 HP तक का कोई भी इंप्लीमेंट जैसे रोटावेटर है या कोई भी पीटीओ चलित इंप्लीमेंट इससे आप चला सकते हैं। सो दोस्तों ये था महिंद्रा यूगो टेक प्लस 475 DI का पूरा वीडियो। आपको कैसा लगा उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा। और दोस्तों अगर आप इस ट्रैक्टर को खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।